राइट। और हमने ये भी कहा था इट इज सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स raised in the rate law expression, right? लेकिन molecularity क्या होती है? Molecularity is number of particles participating in a collision. Right? When we say number of particles participating in a collision is called molecularity. To be the number of particles participating in a collision, this cannot be fractional like order. अब हम कह सकते हैं ना order can be zero, but molecularity cannot be zero. क्योंकि आप ये कैसे कहोगे कि molecularity equal to zero तो possible ही नहीं है, क्योंकि कोई एक molecule तो होगा at least. अब ऑर्डर वन हो सकता है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस हो सकती है. यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन वो खुद ही एनर्जेटिक हुआ और ब्रेक कर गया. चलो अमन आज की छुट्टी. अमन की नींद. अमन की है ना. अमन की आज से केमिस्ट्री के बाद छुट्टी. नो मैथमेटिक्स. अब तो मेरी मर्जी थी. बस साढ़े अब जल्दी जल्दी. क्यों हरप्रीत से मैथ्स नहीं करना? अच्छा यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस पॉसिबल. यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है एक मॉलिक्यूल जो खुद ही एनर्जी से भर गया, बहुत एनर्जेटिक हुआ और फिर टूट के प्रोडक्ट बन गया, राइट? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पॉसिबल. बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब है वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं. और अब हमें पता है कि कोलिजन्स हमेशा बाई मॉलिक्यूलर ही होते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट कोलाइड करते हैं जनरली. तो दो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हमने सुन रखा है. अब मॉलिक्यूलरिटी थ्री रेयर होती जाएगी और मोर देन थ्री नॉट पॉसिबल. साइमल्टेनियसली बेटा तीन चीजें एक साथ टकरा जाए इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर डिस्टेंस से चले, एक ही स्पीड से चले और एक ही जगह पे आके एक ही पॉइंट पे मिले, तो ये पॉसिबल बहुत कम पॉसिबिलिटी है, रेयर है. क्योंकि दो चीजें टकरा जाती है, तीसरी उसके बाद उसमें टकरा जाए बात बनती है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाता ना. तीन चीजें एक साथ आई बैंग करके टकराई, ऐसा नहीं हो पाता. और मोर देन थ्री के चांसेस है ही नहीं. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस कहते हैं कि more than three particles colliding simultaneously is not possible at all. ठीक है, तो इसके तो वैसे कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन ऑर्डर वन टू थ्री ये सब पॉसिबल था. और मोर देन थ्री भी हो सकता है, रेयर है, लेकिन चलो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं. और ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल इवन, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि आधा एटम एक दूसरे से टकराया. यूनिमोलिक्यूलर जैसे मान लो, नहीं ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है मेरे पास हाई एनर्जेटिकली मॉलिक्यूल, जैसे एक्साइटेड स्टेट पे. अब एक्साइटेड स्टेट पे खुद ही बहुत एनर्जी से बढ़ गया और खुद ही टूट गया, या एक मॉलिक्यूल दीवार से टकराया और टूट गया, तो हम कहेंगे उसका किसी और मॉलिक्यूल से कोलिजन नहीं हुआ,
वो इंडिपेंडेंटली खुद ही चकरा के टूट सकता था, एनर्जेटिक एनर्जी से टूट रहा था। जैसे ऐसा होता नहीं है कई बार हम ऐसे कहते हैं कि जैसे H और H का बॉन्ड, I और I का बॉन्ड, और अब H और I का बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो स्टेट है अगर ये कन्वर्ट हो जाती है एच आई में, तो इसका मतलब ये खुद अकेला सिंगल यूनिट, ये पूरा का पूरा एनर्जेटिक यूनिट खुद ही टूट गया था क्योंकि अनस्टेबल था। तब रहेंगे यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर पॉसिबल, बायोमोलिक्यूलर वेरी मच पॉसिबल, ट्राइमोलिक्यूलर रेयर, मोर देन थ्री तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्शनल मोलिकुलरिटी के कोई चांस नहीं है। मान लो आपको कि O2 टूट के O बना, फिर ओजोन O से टकराया, तब भी ये दो ही तो गिने जाएंगे ना, ये तो नहीं कहेगा ना आधा O टकराया, इसको एक ही गिना जाएगा। तो कहते हैं एटम को भी आप एक ही गिनोगे, इसलिए मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एट ऑल। तो ये आपके पास है डिफरेंसेस, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अब उस मैकेनिज्म को देखो जरा, इस मैकेनिज्म में ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप। ये अभी लास्ट क्लास में क्या था, इसका ऑर्डर हो जाएगा वन, ये तो ठीक हो गया। जो सेकेंड स्टेप है उसको देखो और फर्स्ट स्टेप को देखो, हम देखेंगे स्टेप वन की मॉलिक्यूलरिटी है वन और स्टेप टू की मॉलिक्यूलरिटी है टू, राइट। यानी ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन रेट डिटरमिनिंग स्टेप विल शो अस द ऑर्डर।
राइट, ये समझ आया? तो मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप की होती है, चाहे वो रेट डिटरमिनिंग हो या ना हो, कोलिजन तो ही रहा होगा, लेकिन ऑर्डर सिर्फ कौन डिसाइड कर पाएगा? ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप. अब आप कहते हो कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, लेकिन मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. रीजन इज, अगर आप इसकी मान लो ये स्टेप स्लो स्टेप होता तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से कुछ आगे करते, तब भी मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या आती? 2, और ऑर्डर क्या हो जाता? सम फ्रैक्शनल वैल्यू. राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी. आप ओवरऑल कहा जाए तो बेटा ये समझ आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, उस बैलेंस्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ना तो तुम ऑर्डर प्रेडिक्ट कर पाओगे ना ही मॉलिक्युलरिटी. ठीक है, यानी हम समअप करें तो हम ये कह सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ मैकेनिज्म ओनली. बिना मैकेनिज्म के आप अगर उसका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सोचते रहोगे तो गलत ही है. मॉलिक्युलरिटी ऐड नहीं हो सकती. आप होंगे इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसकी 2 है बस, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या है? 1. तो नीचे लिखे है इस रिएक्शन की कोई मॉलिक्युलरिटी नहीं होती. मॉलिक्युलरिटी के लिए हर एक रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, तो जो यूनिमॉलिक्युलर है इसका मतलब ये यूनिमॉलिक्युलर कोलिजन है, ये बाई मॉलिक्युलर है. ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी होती नहीं, तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ सिंपल रिएक्शंस के लिए ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी कुछ हो सकती है. जो वन स्टेप रिएक्शंस होती है ना, उनकी मॉलिक्युलरिटी आप कह सकते हो कि एक ही स्टेप से पता चल जाएगा. That's how, that's all about your order and molecularity. We are finished with the topic. अब हम start करते हैं how to determine order of reaction. Next topic is how to determine order of reaction. बस आप ऑर्डर डिटरमिनेशन ये हाउ टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट जब हम कहते हैं ऑर्डर डिटर्मिनेशन, तो ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया जाता है. इसके फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेशन तो आप कहोगे ऑर्डर कैन बी डिटर्मिन बाय फर्स्ट ग्राफिकल मैथड. फर्स्ट मेथड हमारे पास है ग्राफिकल. रेट पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब तक हम जो कर चुके हैं वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व, याद है? इस ग्राफ से आप
स्लोप कैलकुलेट करके क्या निकालते थे रेट रेट कैन बी कैलकुलेटेड राइट अब अगर आप रेट निकाल सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आप रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन प्लॉट कर ठीक है यानी आपने क्या किया रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस निकालते हैं और उसको कंसेंट्रेशन के साथ साथ प्लॉट करते हैं अगर रेट और कंसेंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए तो आप कहोगे दैट मींस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर वन तो आंसर आ गया फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको लगता है कि नहीं ए के साथ कुछ मजा नहीं आ रहा आपने ए स्क्वायर के साथ रेट प्लॉट किया और फिर वो स्ट्रेट लाइन आया तो आप कहोगे दैट मींस सेकंड ऑर्डर राइट समझ आया ऐसे अगर आपने क्यूब के साथ किया हो तो थर्ड ऑर्डर तो आप ये कह सकते हो कि रेट कैलकुलेट करने के लिए आप ग्राफ्स की हेल्प ले सकते हो बाय यूजिंग ग्राफ्स यू कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेकिन यहां पे आप किसी एक ही रिएक्टेंट के साथ काम कर सकते हो यूनि रिएक्टेंट रिएक्शन यानी अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम है ठीक है इस मेथड में पहले आपने क्या किया रेट कैलकुलेट किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और फिर रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन से क्या निकाल दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो जी समझ आया हो चलो जल्दी से नोट करो और लिमिटेशन ये है कि दिस इज ओनली फॉर मोनो रिएक्टेंट टाइप यानी सिंगल रिएक्टेंट हाँ जी बेटा समझ आया फर्स्ट मेथड क्या है अगर ये के साथ तो कर्व आ जाए तो मैं स्क्वायर हूँ क्यों स्क्वायर अगर एक हजार पर भी कैसा कर्व कैसा वो तो मैं वो आपकी फिजिक्स है चलिए नेक्स्ट मेथड पे यस मैम इसकी लिमिटेशन क्या है सिंगल रिएक्टेंट हुआ तभी है ना जब एक से आ रिएक्टेंट हुआ फिर तो काम खराब दिस मेथड इज ओनली फॉर यूनि रिएक्टेंट रिएक्शंस
सेकेंड मेथड वी हैव इज इनिशियल रेट लॉ मेथड. ये मेथड कहता है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों डालो और रेट को इनिशियली नोट कर लो, जस्ट बिगिनिंग में ही रेट नोट कर लिया थोड़ी देर बाद ही, और लेट सपोज रेट आ जाए आर वन, और आर वन की वैल्यू आपके पास आ गई लेट सपोज 2 × 10⁻²⁻², मोल पर लीटर, यूनिट्स होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगर आप एक्सपेरिमेंट वन में ऐसा कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट टू में ऐसा मत करो, एक्सपेरिमेंट टू में इसको 0.2 ले लो शुरू में और दूसरे को 0.1 ले लो और फिर से रेट नोट करो. अगर रेट आ जाए फिर से 2⁻²⁻², और एक्सपेरिमेंट थ्री कर लो फिर. अब इसको 0.2 कर देते हैं और इसको 0.1 रख लेते हैं, तो रेट थ्री जो आ गया वो आ गया 4 × 10⁻²⁻². तो कह रहे हैं कि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते जाओ, हर बार एक की कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ, दूसरे को सेम रख लो, दूसरे के चेंज करो, पहले को सेम रख लो, आप इस तरह से मैनेज करते जाओ और रेट को नोट करते जाओ. तो आपका मेथड जो बना है कि आप क्या नोट कर रहे हो, इनिशियल रेट इज नोटिस्ड फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी. अब आप देखो जरा क्या किया, रेट वन इज इक्वल टू के, हमें पता है ए रेज टू पार अल्फा एंड बी रेज टू पार बीटा, हमें ये वैल्यू ही नहीं पता ना, और ये वैल्यू आ रही है 2 × 10⁻²⁻². R2 is K, again A raised to power alpha, B raised to power beta, लेकिन यहां पे वैल्यू क्या आ रही थी 2 × 10⁻²⁻², और 4 × 10⁻²⁻², is R3, which is equal to K, A raised to power alpha and B raised to power beta, reaction तो same ही है. ठीक है जी, समझ आया? अब values put कर देते हैं. अगर मैं यहां लिखूं 0.1 रेज टू पावर अल्फा 0.1 रेज टू पावर बीटा, हियर आई राइट के 0.2 रेज टू पावर अल्फा 0.1 रेज टू पावर बीटा, हियर आई राइट के 0.1 रेज टू पावर अल्फा 0.2 रेज टू पावर बीटा, तो मेरे तीन साफ साफ फॉर्मूलाज बन रहे. आप सोच के बताओ इफ इट इज 1, 2 and 3, If I divide 3 with 3 को 1 से डिवाइड करूं तो मुझे फायदा हो रहा है, और यहां फिर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, 2 / 1, 2 / 1, उसमें ये 0.1 कट रहा था. अब रेशियो लेके देखते हैं 3/1, 3/1 इज के 0.1 रेज टू पावर अल्फा 0.2 रेज टू पावर बीटा डिवाइडेड बाय के 0.1 रेज टू पावर अल्फा 0.1 रेज टू पावर बीटा. ये कैंसल्ड, ये कैंसल्ड, और ये आ गया है 2/1 रेज टू पावर बीटा विच इज इक्वल टू 4 × 10⁻²⁻², divided by 2 × 10⁻²⁻². Beta is equal to 1. Yani 2 raised to power beta is coming to be 2. It means beta is 1. The first order with respect to B. Now 2/1 करके बताओ कि कितने order, क्या order है? 2 / 1. 0.2. रेट रेट नहीं लिमिटिंग पे डिपेंड कर रहा है, वो रिएक्शन की कंप्लीशन डिपेंड करेगी कि लिमिटिंग कौन है, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बताएगी, तो उसके बाद स्पीड, तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड पे कंसंट्रेशन डिपेंड करते हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं.
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, वो तो सेम ही है ना, वो तो दोनों से क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट टू रेज टू पावर अल्फा, पॉइंट वन रेज टू पावर बीटा डिवाइडेड बाय के, पॉइंट वन रेज टू पावर अल्फा पॉइंट वन रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू यार है 2 into 10 raise to power minus 2 दोनों बार, natural है 1 is equal to 2 raise to power alpha, so anything raise to power 0 is equal to 1, that means alpha is equal to 0, ठीक है? अब आपका आंसर ये बन गया, हमारा आंसर बना है कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0 एंड बी रेज टू पावर 1. अगर मुझे के निकालना होता तो मैं क्या करती, सोच के बताओ क्या आप के की वैल्यू निकाल सकते थे? निकाल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. इनिशियल रेट इसलिए क्योंकि आप ये मान, देखो अगर आप थोड़ी देर बाद इफेक्ट कर दो, दोनों कुछ ना कुछ रिएक्ट कर चुके होंगे, फिर हमें पता क्या चलेगा किसकी वजह से हुआ. अभी हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने इसको सेम रखा और इसको डबल किया तो रेट को फर्क पड़ा, इसका मतलब ये रेट को इफेक्ट करता है. अगर चलने ही देंगे रिएक्शन, फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना किसका क्या इफेक्ट हो रहा है. किसी एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट बना दिया और दूसरे को पढ़ लिया ऐसे, ठीक है?
try to solve the next question. Point one. Point one. And this is 4 into 10 raised to power minus 4. Data is given to you, rate values are given in mole per liter per second. What is the order with respect to A and B and calculate rate constant? Aapka question hai. Calculate order with respect to A and B. Calculate rate constant. And third aapke paas hai, what will be rate if A is 0.2 and B is 0.35 molar. तीन क्वेश्चंस आपके पास, ट्राई टू सॉल्व दिस थ्री.
डन यस मैम कैंसर डन अल्फा 2 बीटा 0 अल्फा 2 बीटा 0 करेक्ट के 4 में रेंज में यस टू के Alpha minus 4 into 10 raised to power minus 2. Yeah, that's it. 4 into 10 raised to power minus 2. Now, when you have minus 2, how do you have it? Yes, ma'am. और रेट कितना आ रहा है थर्ड थर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है सिक्सटीन इनटू टेन रेस्ट टू पार माइनस फोर सिक्सटीन इनटू टेन रेस्ट टू पार माइनस फोर अब एक बात और समझो और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं सारे क्वेश्चन समझ आ गए बेटे रेट आ रहा था आपके पास आंसर आ रहा है रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू पार टू बी रेस टू पार जीरो फिर आपने निकाला था के तो आपने रेट की वैल्यू पुट कर दी कोई भी वैल्यू पुट कर देते फोर इंटू टेन रेस टू पार माइनस फोर इज इक्वल टू के पॉइंट वन रेस टू पार टू एंड पॉइंट वन रेस टू पार जीरो तो के आ जाता और फिर तीसरा था रेट फोर या फाइव जो भी चार तो दिवे गिवे नहीं थे पांचवा रेट आपके पास आता k की वैल्यू a था शायद पॉइंट टू रेस टू पार टू और b था पॉइंट थ्री फाइव रेस टू पार जीरो तो रेट फाइव आपको निकालना था k आप निकाल चुके थे वन साल से ठीक है समझ आ गया कैसे करना था क्या प्रीत समझ आया यस और नो यो ओके यो दैट्स बेटे तूने नो कह दिया था मैं तो हार्ट फेल होने वाला था कितना खुश है ना समझ आने पे भी कोई इतना खुश हो सकता है तो यो अच्छा था दिस इज गुड आगे से यो ऐसे भी किया ऐसे करते हैं ऐसे अच्छा यो चलो आगे देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्योंकि अभी जो आप आंसर दे रहे हो जिसमें आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो उसकी यूनिट्स आपने लिखे ही तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के तो आपको के के यूनिट्स अगर निकालने हैं तो हमें ये समझ आ रहा है रेट इज के कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम ऑर्डर एम आप देखो जरा रेट के यूनिट बेटा हर बार सेम थे मोल पर लीटर पर सेकेंड के यूनिट आप निकालना चाह रहे हो और ये आपके पास था ए मोल पर लीटर रेस टू पार एन तो नेचुरली के यूनिट्स क्या आ जाएंगे मोल पर लीटर रेस टू पार एन और सेकेंड इनवर्स तो कॉमन ही रह गया ना एक ही बार हम ये कह सकते थे ना बेटे मोल पर लीटर रेज टू पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स यस और नो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर में यूनिट्स ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होंगे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट्स ऑफ के होंगे सेकेंड इनवर्स डू यू एग्री और सेकेंड ऑर्डर जो आपने अभी सॉल्व किया उसमें यूनिट्स होंगे मोल पर लीटर रेज टू पावर वन माइनस टू सेकेंड इनवर्स इट मींस मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स राइट सेम वे आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी यूनिट्स लिख सकते थे मोल पर लीटर रेज टू पावर वन माइनस टू थ्री हो जाता वन माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स इट विल बी मोल पर लीटर रेज टू पावर माइनस टू
सेकेंड इनवर्स और आप लिखते मोल माइनस टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. यानी अब जो आप अपनी क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे जब के निकालोगे तो के का आंसर क्योंकि सेकेंड ऑर्डर था तो जो भी वैल्यू आपकी आई थी उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा लीटर पर मोल पर सेकेंड. अगर आपने यूनिट्स भी गलत लिख दिए तो भी तो गलत ही है क्वेश्चन. और रेट के यूनिट सब आप कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड राइट. तो अब आपने ध्यान रखना है जब आप के निकालोगे तो यू हैव टू राइट अ परफेक्ट यूनिट फॉर के ऑल्सो. दैट्स अबाउट यूनिट्स ऑफ के. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हूं. अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. Start with the next question. Thank you.
Order with respect to chlorine. 1. NO. 1. 2. 2. 2. Okay. ठीक है आगे eight constant eight liter square per mole square per second yes overall order of reaction is third order three और last question था मेरे पास what is the rate basic ten raised to the minus one ठीक correct सब लोग करते जाओ अपने आंसर्स मैच करते जाएंगे रेट एक्सप्रेशन बेटा आ रहा था रेट इज इक्वल टू के सी एल टू रेज टू पार वन एन ओ रेज टू पार टू क्या आप सब यहां तक ठीक पहुंच गए yes. सबका ठीक आ रहा है yes, okay. ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर और के की वैल्यू आ रही है के इज कमिंग टू बी ए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड और लास्ट जो ऑप्शन था वो था 2.256 मोल पर लीटर पर सेकेंड राइट चलो डन एक क्वेश्चन और करेंगे फिर अगला बात करते हैं A reaction is there with 2A plus B2 it gives 2AB. A and B2 का ये डाटा आपके पास है 0.155 0.155 क्वेश्चन है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबी व्हेन ए इज 0.02 एंड बी टू इज 0.04 बेटे सबका हो गया ये सॉल्व क्वेश्चन Thank you.
LGBT. In UC presentation, we are going to get to the VH within 20 K तो किसी भी कंसंट्रेशन से निकाल K तो सब में सेम ही आएगा ना बेटा ठीक है K तो रेट कांस्टेंट ही है सबका सेम आएगा किसी से भी निकाल लो जिससे आसान लगता है Done. Order the with respect to A is coming to be 1. With B2 is also coming to be 1. Yes. Any overall order is second order. Check it. बेटा उस टू को क्या करना है उस टू को तो देखना भी नहीं है वो तो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है बैलेंसिंग कोफिशिएंट को देखना ही नहीं था बेटे आपने पहला एक्सप्रेशन बनाया 1.8 10 रेस टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1. या उल्टा करते चलो 0.8 10 रेस टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.8 10 रेस टू पावर माइनस 3 क्या आ रहा है 0.15 रेस टू पावर बीटा 0.15 रेस टू पावर बीटा ये कैंसिल ही हो रहा था 0.090 0.015 रेस टू पावर अल्फा यहां से आपने अल्फा कैसे निकाला 1 ये ऑर्डर निकाल रहे हो और ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट है ऑर्डर क्वेश्चन ऑर्डर कभी ये तो बहुत अगर ये ऑर्डर है तो फिर मैंने तुमसे क्वेश्चन क्यों पूछा कंसंट्रेशन अल्फा और बीटा तो बेटा आप नहीं बनाने ना तभी तो रेट लॉ